हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपको एसएससी सीएचएसएल 30 जनवरी को 2017 को जो क्वेश्चंस जीएस के क्वेश्चंस आस्क किए गए हुए थे, मैं उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन और आपको उसमें कंसेप्ट आगे आने वाले एग्जाम्स में जो आपको बेनिफिट हो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा, ये आपको अगले एग्जाम के लिए बहुत फायदे होंगे। ये सब क्वेश्चंस मैं उसको आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करें और कैसे आगे आने एग्जाम में प्रिपेयर करिए। चलिए पढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की ओर। तो अपना पहला क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि वेयर इज बाइल सिक्रेटेड, बाइल कहाँ सिक्रेट होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था कि आपका डिओडेनम में किया जाता है, कि गॉल ब्लैडर में किया जाता है, या किडनी में किया जाता है, कि लीवर में किया जाता है। तो बाइल अपने सीक्रेट होता है कहाँ पर? लीवर पे सीक्रेट होता है बाइल। ठीक है दोस्तों, तो बाइल अपने लीवर में सीक्रेट होता है, बाइल लीवर में सीक्रेट होता है। और ये लीवर अपना क्या है? लीवर है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लीवर होता है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी के कौन है? लीवर। ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी लीवर है। और ये बाइल, हम लोग का ये जो बाइल है, ये जो बाइल, ये क्या काम करता है बाइल? तो बाइल क्या करता है? ये बाइल हेल्प्स करता है, हेल्प्स हेल्प्स क्या चीज़ में हेल्प्स करता है? डाइजेशन ऑफ फूड में, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। बाइल किस में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फूड में। ठीक है दोस्तों, बाइल हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। ठीक है, और ये और क्या हेल्प करता है? ये एलिमिनेशन करता है, ये एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी बाइल करता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, जो भी वेस्ट चीज़ होता है, जो भी गंदगी चीज़ वो एलिमिनेट करता है बाइल। ठीक है, तो बाइल जो अपना ये बाइल होता है वो स्टोर्ड कहाँ होता है? ये बाइल सीक्रेट तो लीवर करता है, लेकिन ये स्टोर्ड कहाँ होता है? तो ये स्टोर्ड होता है आपका, ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, BLADDER, ये गॉल ब्लैडर में सीक्रेट होता है, गॉल ब्लैडर में सीक्रेट होता है। फिर ये रिलीज्ड कहाँ होता है? ये रिलीज होता है डियोडनम में, रिलीज होता है डियोडनम में, DUODENUM, ये डियोडनम में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपसे पता चला कि बाइल कहाँ, बाइल को कौन से, वेयर इज बाइल सिक्रेटेड? तो बाइल इज सिक्रेटेड लीवर, लीवर क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ठीक है दोस्तों, और जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, और बाइल्स क्या करता है? बाइल्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड करता है, और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट करता है, ये हेल्प करता है बाइल। ठीक है, और ये बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है? बाइल स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर के बाद ये रिलीज होता है कहाँ पर? डियोडेनम में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा गया है, इन्वेंटेड LED। तो LED आप जानते होंगे, LED क्या है? लाइट इमिटिंग डिवाइस है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डिवाइस ही है, लाइट इमिटिंग डिवाइस, डिवाइस नहीं है सर, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड है LED, इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। और इसका आप सिम इसका सिंबल सिंबल ऐसा रहता है, ये डायोड होता है, डायोड होता है, ये एनोड होता है, और ये कैथोड होता है। ठीक है, और लाइट आपका यहाँ से इमिट होता है, वो आपको दिखाता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ यूज़ होता है? ये हम लोग का LED बल्ब बल्ब में यूज़ होता है, जो आजकल बहुत सारे LED बल्ब आने लगे, तो ये वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, और इसका कौन, इसका इसका आया था हु इन्वेंटर LED, तो इसको दोनों में इन्वेंट किया है, एक का नाम है निक, NICK, निक
होलोयंक, एच ओ एल ओ एन वाई ए के, होलोयंक, ठीक है। और एक कौन किए इसको, और एक किए ओलेग, ओलेग लोसेव, एल ओ एस ई वी। तो दो लोग इन्वेंट किए थे, तो ऑप्शन में खाली यही था निक होलमैक, तो आंसर ये था, ये नहीं दिया गया था, तो आंसर निक होलो नायक आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंजुम चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच गेम। तो आप अंजुम चोपड़ा के बारे में जानते होंगे, ये इंडियन क्रिकेटर हैं, मतलब फॉर्मर इंडियन कैप्टन है ये क्रिकेट टीम की, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, इंडियन ओमेन्स टीम कैप्टन है ये, फॉर्मर हैं, अभी तो नहीं है, अभी रिटायर्ड ले लिए, फॉर्मर टीम कैप्टन थे ये अंजुम चोपड़ा। ठीक है, तो इनको, इनका अभी नाम क्यों आया था, क्योंकि इनको अभी फर्स्ट ओमेन ये थी, फर्स्ट ओमेन टू गेट, इनका नाम इसलिए आया था कि फर्स्ट ओमेन ये, इनको एमसीसी जो होता है उसकी मेंबरशिप मिली थी, फर्स्ट ओमेन है ये जिसको एमसीसी की मेंबरशिप मिली है। ठीक है, तो एमसीसी क्या है आपका, एमसीसी है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है एमसीसी। ठीक है दोस्तों, और इनका आप जानते होंगे ये अंजुम चोपड़ा, ये न्यू दिल्ली से हैं और ये बॉर्न हुई थी 1977 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इनको आपका पद्मश्री भी मिला है, ये पद्मश्री इनको कब मिला है, 2014 में इनको पद्मश्री दिया गया, अंजुम चोपड़ा को 2014 में। ठीक है, तो इसमें पूछा था अंजुम चोपड़ा से रिलेटेड टू विच गेम, तो अंजुम चोपड़ा क्रिकेट टीम से रिलेटेड है, इंडियन टीम कैप्टन ऑफ क्रिकेट, इंडियन ओमेन टीम के फॉर्मर इंडियन टीम, तो ये क्रिकेट की फॉर्मर कैप्टन थी, इनको फर्स्ट ओमेन है जिसको एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मेंबरशिप दिया गया, और इनको पद्मश्री 2014 में मिला है, और ये बॉर्न हुई थी 1977 में कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, इंद्रावती द टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई। तो लाइफ ऑफ पाई आपने मूवी देखी होगी, जिसमें जो बंगाल टाइगर के, उसमें लाइफ ऑफ पाई आपने देखी होगी, जिसमें बंगाल टाइगर होते हैं, एक बंगाल टाइगर होता है और एक आपका पटेल नाम से होता है एक लड़का, जो कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, जो मतलब कैसे करके टाइगर के साथ पूरे समुद्र में कैसे करके वो सेक्रीफाइस करता है उसके बारे में। तो आपका वो बंगाल टाइगर के बारे में था, तो बंगाल टाइगर का नाम जान, उसका नाम था रिचर्ड नाम था वो टाइगर का, रिचर्ड। और इसमें कौन कौन थे, अपना इरफान, इसमें अपने इरफान खान साहब थे इसमें वो भी थी आपकी, क्या नाम है, तब्बू हीरोइन थी, और एक आपके थे सूरज शर्मा, वही पटेल नाम से उनका, सूरज शर्मा, वही लड़के का नाम है सूरज शर्मा। ठीक है, तो इसका क्या है, ये लाइफ ऑफ पाई के ऑथर कौन है, तो ऑथर का नाम है यान मार्टेल, MARTEL, यान मार्टेल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है यान मार्टेल। ठीक है, ये उनका ऑर्थर का नाम है यान मार्टेल। चलिए, तो ये हो गया ऑर्थर बुक लाइव, यान मार्टेल है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। सिक्स क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन, MISSION, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, CONTROL, कंट्रोल प्रोटोकॉल, PROTOCOL, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है, ये जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसी से रिलेटेड होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो
इसका नाम कैसे आया ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि एक आपका यहाँ एक होता है इनिशिएटर होता है, यहाँ इनिशिएटर जो हम इनिशिएट करता है कुछ भी डाटा, इनिशिएटर होता है जो इनिशिएट करता है डाटा, और एक रिसीवर होता है एक जो रिसीव करता है डाटा। तो इनिशिएटर से रिसीवर में डाटा जाता है, रिसीवर से इनिशिएटर में डाटा आता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो कंट्रोल करते हैं इनिशिएटर और रिसीवर के बीच में, उसी को बोलते हैं TCP, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसको। तो फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है साइंटिफिक नेम ऑफ बबूल। तो बबूल का आपका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका नाम है वैसीला, VACHELLIA, वैसीला नीलोटिका, NILOTICA, नीलोटिका, इसका नाम वैसीला ट्री, बबूल ट्री के नाम से आप जानते होंगे। तो इसका नाम है वैसीला, VACHELLIA नीलोटिका, NILOTICA। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड। तो आप लोग जानते होंगे एमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है। तो एमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है NH4Cl। ठीक है दोस्तों, और इसका आपको पूछ सकता है एटॉमिक मास कितना होता है। तो एटॉमिक मास इसका होता है, एटॉमिक मास होता है आपका 53.491 ग्राम पर मोल। इसका यूनिट है ग्राम पर मोल एटॉमिक मास का। तो इसका 53.491 ग्राम पर मोल एटॉमिक मास है। तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, NH4Cl। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9th की ओर। 9th क्या है, विच एलिमेंट हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें ऑप्शन दिया गया हुआ था आपका, एक ऑप्शन था लीड, दूसरा ऑप्शन दिया गया था आयोडीन, तीसरा ऑप्शन दिया गया था आपका आयरन, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया था नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन दिया था नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप लीड का देखेंगे तो लीड का आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लीड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 327.5 होता है, 5 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट, 5 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि इसका टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर को कितने में मेल्ट होता। तो लीड का मेल्टिंग पॉइंट है 327.5 और आयोडीन का आपका है 113.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, फिर आयरन का सबसे ज़्यादा होता है लेकिन आयरन का 1538 डिग्री सेल्सियस, ये सब में से सबसे ज़्यादा आयरन का ही है 1338, और नाइट्रोजन का होता है माइनस 210 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पूछा है विच एलिमेंट हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को आप जानते होंगे, इसका यूज़ होता है आपके एयरक्राफ्ट टायर्स में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट के टायर्स में, और फूड पैकेजिंग में भी यूज़ होता है अपना नाइट्रोजन, फूड पैकेजिंग में भी यूज़ होता है। क्यों फूड पैकेजिंग में यूज़ होता है, क्योंकि कोई जैसे आप जानते होंगे ठंडे, जैसे फ्रिज में कोई चीज़ रखता है तो वो सड़ता नहीं है जल्दी, ख़राब नहीं होता, तो फूड पैकेजिंग में भी इसीलिए इसको यूज़ करते हैं क्योंकि वो खाना ख़राब ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10th की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट गार्डन टॉम्ब। ये इंडियाज़ फर्स्ट गार्डन टॉम्ब किसको बोलते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट गार्डन टॉम्ब, तो इसका आंसर है अपने इंडियाज़ फर्स्ट है तो इसका आंसर है हुमायूं टॉम्ब, HUMAYUN, हुमायूं टॉम्ब, इसी को इंडियाज़ फर्स्ट गार्डन टॉम्ब भी है। ठीक है, तो ये सिचुएटेड कहाँ है आपका, दिल्ली में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट गार्डन टॉम्ब कौन सा है, हुमायूं टॉम्ब, दिल्ली में सिचुएटेड है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, हु इज़
हु इज़ फाउंडर ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपका आईपी एड्रेस होता है, तो वो किसने फाउंडर कौन है उनके, तो इनका फाउंडर है रॉबर्ट RoBERT रॉबर्ट, क्या नाम है इनका, रॉबर्ट ई खान KHN रॉबर्ट ई खान KHN रॉबर्ट ई खान इनका नाम है फाउंडर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हु फाउंड द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कंस्टेंट। तो आप जी जानते होंगे क्या होता है, जी एफ इक्वल टू जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू, जो दो मास के बीच में, ये दो मास है आपका, ये एम वन है ये एम टू है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसका फॉर्मूला है एफ, और यहाँ से दोनों के बीच में डिस्टेंस दिए हुआ, तो एफ इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जी इसमें होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो इसमें पूरा हु फाउंड द वैल्यू, तो ऐसे जान जाइए तो जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू होता है 6.75 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है इसका यूनिट। ठीक है, पर केजी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, जी जब मास इनटू मास, तो मास केजी होता है, केजी होता है, तो ये नीचे जाएगा तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स का क्या यूनिट है न्यूटन, और ये स्क्वायर जो डिस्टेंस स्क्वायर है, तो डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है, तो इधर आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी, उसका जी का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर 6.75 × 10⁻¹⁻। तो इसमें क्वेश्चन था हु फाउंड द वैल्यू ऑफ जी, तो जी का फाउंड किए थे लॉर्ड एल ओ, जी को फाउंड किए थे लॉर्ड एल ओ आर डी लॉर्ड लॉर्ड हेनरी एच ई एन आर वाई लॉर्ड हेनरी कैवेंडिस सी ए वी ई एन डी आई एस एच लॉर्ड एल ओ आर डी हेनरी एच ई एन आर वाई कैवेंडिस के सी ए वी एन डी आई एस एच। तो इन्होंने 1798 में इसका खोज किया था, 1798 में। ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा स्मॉल जी से, जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उससे कन्फ्यूज मत होइएगा, उसका वैल्यू होता है 9.8 m/s². ठीक है, जो एफ इक्वल टू वो इसका होता है एफ इक्वल टू एम इंटू जी, जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो उससे कन्फ्यूज मत होइएगा स्मॉल जी से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल आपको पूछी गई थी, तो न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है, डब्ल्यू ई एल एल आई एन जी टी ओ एन वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो उदित नारायण गोट विच अवार्ड, उदित नारायण गोट विच अवार्ड, तो इसमें ऑप्शन दिया गया था, एक भारत रत्न दिया हुआ था, नंबर टू दिया हुआ था ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, जी आर ए एम 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 वाई, एक ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, और एक दिया गया था आपका पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण, और एक दिया गया था पद्मश्री दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको उदित नारायण जो सिंगर है उनके बारे में पता होगा, तो उदित नारायण को हम लोग पद्मश्री दिया गया था 2009 में, इनको पद्मश्री मिला गया 2009 में, इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री। और एक आप जान सकते हैं कि उदित नारायण को, आपको उदित नारायण को अभी थोड़े दिन पहले 2016 में पद्म भूषण भी दिया गया है, पद्म भूषण 2016 में इनको दिया गया है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो हाईएस्ट सिविल ऑनर है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इनका पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों मिला गया, पद्म भूषण 2016 में और पद्मश्री 2009 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच फील्ड। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, तो ये रिलेटेड होता है राइट टू प्रॉपर्टी से, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पी आर ओ
ERTY आई टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो 16 क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑकर्स इन वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला जानते ही होंगे, H2O होता है, ठीक है दोस्तों। तो वाटर का फॉर्मूला जानते ही H2O होता है, और जो आपके वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो किसके वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। जो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ही होता है, उसमें अट्रैक्शन दोनों वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होकर इन वाटर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होकर होता है वाटर में, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्या है, अशोका बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत जगह आस्क किया जाता है, बहुत जगह पूछा जाता है। तो इसका आंसर है मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है, MAURYAN मौर्यन डायनेस्टी, DYNASTY। तो ये मौर्यन डायनेस्टी से अशोका रिलेटेड है, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं अशोका, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 के राइटर ऑफ द 20th वाइफ के राइटर कौन है। तो 20th वाइफ का आपका राइटर है, इनका नाम है इंदु सुदर्शन, SUDARESAN इंदु सुदर्शन नाम है इनका, ठीक है। तो ये बेंगलोर में, लेकिन अभी हैं ये बेंगलोर में रहती हैं, और ये राइट क्या करती हैं, ये बेसिकली ये मुगल प्रिंसेस ऑफ मुगल डायनेस्टी के बारे में यहाँ राइट करती हैं। ये बुक्स हमेशा ये प्रिंसेस PRINCESS प्रिंसेस ऑफ मुगल डायनेस्टी के बारे में बहुत लिखती हैं, उसी के बारे में लिखती हैं, प्रिंसेस मुगल डायनेस्टी, ठीक है दोस्तों। तो इंदु सुदर्शन नाम है द 20th वाइफ, तो ये भी प्रिंसेस मुगल डायनेस्टी के बारे में ये बुक भी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि अभी अपना 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल में 25 पार्ट्स है, और प्रीवियसली जो पहले हम लोग जो बनाया गया था तो पहले आपके खाली 22 पार्ट्स थे। जब हम लोगों जो ये कमेंसमेंट किया गया था तो 22 पार्ट थे खाली, और अभी जो है अभी 25 पार्ट्स है। और अभी का जो आप रिलेशन अभी का डाटा देखेंगे तो अभी 448 आर्टिकल्स आपके टोटल हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और पिछले जब कमेंसमेंट किया गया था, जब आर्टिकल बनाया गया था तो 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल थे पहले, 395 आर्टिकल थे, और आपके कितने थे, 8 शेड्यूल थे। तो बहुत लोग ने कंफ्यूज हुआ होगा, बहुत लोग ने 22 आर्टिकल पार्ट्स मार के आए होंगे, जो जानते होंगे तो वो 25 पार्ट्स मार के आएंगे। तो इसका आंसर होगा 25 पार्ट्स, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड का कैपिटल सिटी क्या है, डबलिन, DUBLIN, डबलिन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्या है, विच लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन, नॉट, ठीक है दोस्तों। बहुत लोग कन्फ्यूज मत होते, जल्दी जल्दी में आप लोग नॉट छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या पूछा, विच लैंग्वेज नॉट स्पोकन इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में कौन सी लैंग्वेज नहीं स्पोकन की। तो ये कोंकणी दिया था, तो कोंकणी तो बोलते हैं, एक मलयालम था मलयालम में बोलते हैं, कन्नड़ था कन्नड़ भी बोलते हैं, तो मैथिली तो ये आपके बिहार का है, ये बिहार में इसकी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, और नेपाल में भी यूज़ करते हैं, नेपाल के जो यूज़ नहीं करते, नेपाल में जो अटैच जो आपके स्टेट्स हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे बिहार में नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट्स में मैथिली यूज़ किया जाता है, मैथिली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोलचाल वहाँ की मैथिली है बिहार की। तो यही एक ऑप्शन था, नॉट स्पोकन, तो मैथिली बिहार में स्पोकन किया जाता है, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, तो ये साउथ में नहीं स्पोकन रहता है, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और मैं फिर आपको अभी और बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि लेटेस्ट वीडियो आपको आराम से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि।